घर बना था तो ये पाइप्स कुछ बच गई थी। इन पाइप्स को तलवार साहब ने होल्स करके इनके अंदर जेड प्लांट लगाए हैं। इसका एक फॉरेस्ट तैयार किया तो इसमें जो है हम इनको ज्यादा बढ़ने नहीं देते। एक्चुअली ये रूट सब ज्यादा बढ़ जाएंगे तो फिर इसको निकाल के किसी पत्थर के ऊपर यूं बिछा के और फिर लगाएंगे। फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चलो बागवानी कर रहे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आया हूँ जयपुर में और मेरे चैनल पर चल रही है जयपुर सीरीज़। बैक टू बैक मैं डिफरेंट गार्डनर्स के पास विजिट कर रहा हूँ, उनके गार्डन को अपने चैनल पर दिखा रहा हूँ, जिसे देखने में आई थिंक आपको भी बहुत मज़ा आ रहा होगा। और मुझे मौका मिल रहा है अलग अलग गार्डनर से मिलने का, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, उनके कलेक्शन देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है और मुझे यकीन है कि आपको भी उनके कलेक्शन देख के काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। तो पिछले 3 से 4 पार्ट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं के तलवार जी। आज मैं उनका शूट करने जा रहा हूँ ऑर्नामेंटल प्लांट का कलेक्शन, जिसे देख के आपको काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी सुकून मिलेगा। जितने प्लांट आपने अभी तक देखे हैं उनसे ज़्यादा प्लांट्स आज की वीडियो में आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं, क्योंकि सर का जो कलेक्शन है प्लांट्स का वो बहुत बड़ा है, वाइड कलेक्शन है। तो अभी तक कवर करना मुश्किल था सारी की सारी वीडियोस, इसलिए मैंने अलग अलग टॉपिक्स पे करी हैं ताकि आपको मैं अच्छे से दिखा पाऊँ। आज की वीडियो में आपको बहुत ही डिफरेंट प्लांट हम दिखाने वाले हैं, हर तरह के प्लांट्स पे हम बात करेंगे। कई सारे फ्रेंड्स को कन्फ्यूज़न होती है इंडोर प्लांट्स के ऊपर, तो वो कन्फ्यूज़न भी आपकी क्लियर हो जाएगी और किस तरीके से आप उन्हें ग्रो कर सकते हैं, बिगिनर्स को क्या चैलेंजेस आते हैं, हम उन पर ही बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, स्किप करते हैं तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन छूट जाती है। ये लास्ट पार्ट रहने वाला है के तलवार जी के साथ, बहुत ही स्पेशल वीडियो रहने वाली है, तो आप वीडियो को पूरा देखना। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी ज़रूर फॉलो करिए, क्योंकि कुछ रील्स भी बनाई मैंने सर के साथ जो कि वहाँ पर मैं अपलोड करने वाला हूँ, तो उसमें भी आपको बहुत ही डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, उसमें भी काफ़ी मज़ा आएगा आपको। तो फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही मैंने बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करिए, क्योंकि मैं ऐसे ही डायरेक्ट घर में विजिट करता रहता हूँ। और जल्द ही मैं जाने वाला हूँ लखनऊ, तो जैसे ही जयपुर की सीरीज़ खत्म होगी मैं आपको मिलने वाला हूँ लखनऊ में, और भी नए नए गार्डनर से आपको मिलवाऊंगा, उनकी कलेक्शन आपको दिखाऊंगा। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस सेक्शन में जो है हमने कुछ ऑर्नामेंट प्लांट्स भी रखे हुए हैं, कुछ बोनसाइज भी रखे हुए हैं, और कुछ जो है ये डिफरेंट अडेनियम्स, बेगनवेलिया, ये इस तरीके से हमने रखी हुई हैं। अब इन फिगर्स में जो है हमने ये मधुकामनी लगाई हुई है, और ये मधुकामनी जो है इसमें बहुत अच्छी चलती है, और ये ड्वार्फ वैरायटी है जो कि ज़्यादा बड़ी भी नहीं होती, और इसको जो है हम मैंने 2 महीने में जो है कटिंग भी करते रहते हैं शेप बनाने के लिए, और इसमें जो है छोटे छोटे वाइट फ्लावर्स आते हैं। अब ये ऊपर के सेक्शन में जो है देखिए, ये 3-4 तो ये गूगल के पेड़ हैं, जो ये पत्ते अभी नए शुरू हुए हैं जिनके, ये गूगल के हैं ये, और इनके जो है सर्दियों में जो है पत्ते इसके जो है खराब वो हो जाते हैं, और उसके बाद जो है फिर गर्मियों में फिर इसमें जो है नए पत्ते आते हैं ये। और ये जो वैरायटीज़ हैं ये कैलेंचूस की हैं, इनके जो है ये सर्दियों में अच्छे इनके फूल आते हैं, और उस जब इनके फूल ख़त्म होते हैं तो इनके सूखे फूल हम काट देते हैं, और फिर ये प्लांट जो है ये मल्टीप्लाई होता है, ये जब फ्लावरिंग नहीं होता तो ये प्लांट मल्टीप्लाई होता है। इसको जो है इस कैलेंचू को जो है हम कटिंग से भी लगा सकते हैं, कटिंग से हम इसको और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये हमने ये रखा हुआ है ये वैरायटी हॉस्पोस्टा की, इसमें जो है 3-4 कलर्स आते हैं डिफरेंट, वाइट में भी आता है, पिंक में भी आता है, डार्क ब्राउन में भी आता है, और इसको भी जो है हम कटिंग से लगा सकते हैं इन कटिंग्स को। यहाँ मैंने कुछ हैंगिंग्स लगा रखे हैं, ये छोटे छोटे ये हैंगिंग्स हैं। अब ये एक सूखे पेड़ का टहनी है, इसको मैंने गाड़ दिया, और ये छोटे छोटे जो है ये देखिए ये हैंगिंग मैंने ये बास्केट्स ये तैयार की हैं। और कोई भी आप इधर उधर से आपको टूटी हुई लकड़ी या जंगल से जो है आपको मिल जाती है,
तो जस्ट आपके ये आइडियाज़ काम करते हैं कि ठीक है आप उसको जो है गमले में गाड़ दो। अब इसमें कोई रूट नहीं है इस टहनी में, ये सूखी लकड़ी है, ये इसमें डाल दिए, इसके ब्रांचेज हैं, इसके ब्रांचेज के ऊपर ये छोटे छोटे जो है आप ये टांग सकते हैं हैंगिंग बास्केट्स वगैरह। देखिए ये वैरायटीज ये लगा रखी है आईवी, ये भी बहुत अच्छे इस यहाँ के क्लाइमेट को सूट करती है ये। फिर ये एक वैरायटी है ये पेप्रोमिया, ये यहाँ की क्लाइमेट में बहुत अच्छा चलता है ये, और ये कटिंग से भी तैयार होता है। और इसमें तीन चार वैरायटीज आती हैं, ये वेरिएटेड है, ग्रीन में भी आता है और डार्क ब्राउन में भी आता है। इसी तरीके से ये आईवी की जो है ये हैंगिंग बास्केट्स, ये प्लांट है ये, इसको चमोद्रा पाम भी कहते हैं इसको, और ये ड्राफ वैरायटी है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता, ये ऐसे बुशी रहता है। ये कुछ वैरायटी जो हैं ये ऑक्सीकोडियम की वैरायटीज हैं ये, और ये प्लांट जो है दिल्ली में बहुत ही सक्सेसफुल है ये ऑक्सीकोडियम, ये हम दिल्ली से मंगवाते हैं, ये वहाँ बहुत अच्छा तैयार होता है ये। मैं प्लांट्स में अब डिफरेंट डिफरेंट उसमें आते हैं कि कुछ जो हैं मोस्टली जो ऑर्नामेंट प्लांट्स हैं वो शेड लविंग प्लांट्स होते हैं। शेड लविंग मींस नॉट टोटली शेड में कि आप उसको रूम में रख दो, प्लांट जो है उसमें घंटे दो घंटे की धूप लगे और ज़्यादा वो छाया में ही रहे। ज़्यादातर लोगों के प्लांट्स जो हैं वो हर प्लांट को जो है अपने रूम में रख लेते हैं, रूम में वो प्लांट जो है कुछ दिन चलता है परंतु तो उसकी ग्रोथ नहीं होती। हालांकि ये जितने भी प्लांट्स आते हैं ये इंडोर प्लांट्स करके आते हैं, बुक्स में भी इंडोर प्लांट, इंडोर का मतलब ये नहीं कि रूम में रखे, रूम में आप रखिए ठीक है, आपका कोई फंक्शन है या कोई पार्टी है या कुछ आपने रख लिया एक दो दिन और उसके बाद फिर बाहर, परंतु तो जो भी प्लांट आप रूम में रखते हैं तो उसको एकदम सन में ना उतारें, अदरवाइज वो इमीडिएटली सनबर्न हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ के क्लाइमेट में जो है ये इंडोर प्लांट्स जो हैं अंदर कंटिन्यू तो नहीं चलते, डे बाय डे वो डाउन होते हैं। हम पौधा लाते हैं कि भाई उसके ला के उसकी ग्रोथ बढ़े, मतलब तो अंदर रखने से प्लांट की ग्रोथ जो है वो कम होती है। अभी होटल्स वगैरह में रखते हैं तो वहाँ तो वो इमीडिएटली 10 डेज 15 डेज में चेंज करते रहते हैं, मतलब तो वो लगता है कि ये कब से देख रहे हैं, परंतु उनके पास तीन तीन चार चार सेट होते हैं एक ही पौधे। सो फ्रेंड्स, आगे वीडियो में बढ़ने से पहले मैं आपको मिलवाना चाहूँगा मिसेस तलवार से। हेलो मैम। हेलो। तो मैम भी हमारे साथ अब जुड़ चुकी हैं वीडियो में, और मैम और सर दोनों ही हमें अपना गार्डन का टूर कराने वाले हैं। ये सारी वेराइटीज जो हैं ये एग्लोनिमा के हैं, हालांकि एग्लोनिमस में काफ़ी वेराइटीज आती हैं इसमें जो कि उस साइड में पड़ी हुई, ये ग्रीन एग्लोनिमा के नाम से है और ये मल्टीप्लाई होते हैं। ये आप इनके जो है, मैं आपको एक गमला उठा कर दिखाता हूँ, ये इस तरीके से है। अब आप इसको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जो है प्लांट्स भी इसको बना लेते हैं, परंतु मैं ज़्यादातर जो है दो चार प्लांट्स को इकट्ठा करके और फिर बनाने पे ज़्यादा अच्छा, मुझे बुशी प्लांट ज़्यादा अच्छा था। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि एक प्लांट को लेके उसके चार प्लांट बना देते हैं तो उस प्लांट की जो है ब्यूटी जो है वो ख़त्म हो जाती है बिल्कुल। अब ये अपने अपनी चॉइस है कि मैं चार प्लांट्स का एक प्लांट बनाता हूँ, वो एक प्लांट के चार प्लांट्स बनाना चाहते हैं, अब वो जितना ये ब्यूटीफुल लगता है उतना वो इंडिविजुअल वो प्लांट्स जो है वो लगते नहीं है। इसी तरीके से ये आगे जो है ये सिंघोनिया की वैरायटीज़ हैं, ये सब इसमें जो है कम से कम 15-20 प्लांट्स हैं। आप ये देखिए ड्वार्फ सिंघोनिया में है, ड्वार्फ वैरायटी है, कई एक बड़े पत्ते वाले भी आते हैं, पिंक कलर में भी आते हैं। फिर ये वैरायटी है पान की, ये ईटेबल है ये पान, इसमें आप सुपारी और वो डाल के आप खा सकते हैं। ये भी जो है कटिंग से या इसकी टहनियों को जो है ज़मीन में गाड़ दीजिए, ये उग जाएगा ये, और इस ये शेड लविंग प्लांट है और पानी ज़्यादा चाहिए इसको। पान का पत्ता जैसे कई लोग पूजा में भी काम में लेते हैं तो उसके लिए भी घर में रखना अच्छा है इसको।
ये सारा ग्रुप जो है ये मनी प्लांट का है। ये मॉस्टिक के साथ ही ज़्यादा अच्छे चलते हैं, ताकि मॉस्टिक के साथ इनको थोड़ी सी मॉइस्चर या नमी मिलती रहती है, और क्योंकि इनके ऊपर भी एरियल रूट्स होती हैं, तो मनी प्लांट में सब जगह पर रूट्स होती हैं, तो उस रूट से ये फिर अपना मॉइस्चर लेते रहते हैं। ये एरियल रूट्स से होती है, ये देखिए ये जॉइंट्स जो हैं ये एरियल रूट्स हैं। आप यहाँ से काटे इसको पानी की बॉटल में भी रख लेंगे तो ये हो जाएगा। फिर ये एक वैरायटी है, ये पीटर्स कॉलम, इसमें बहुत ही अच्छा येलो कलर का फूल आता है। ये बड़ा ही हार्डी प्लांट है, ये मतलब जयपुर की इतनी गर्मी के अंदर भी ये चलता है और वेरीगेटेड है, मतलब इसमें थोड़े वाइट कलर का भी टिंज है किनारे पर। ये नॉलिना रिक्रोवेटा है, इसकी हमने कटिंग की है तो इससे जो इसकी ये ब्रांचेस इतनी मल्टी ब्रांचेस आ गई है। ये अब इन ब्रांचेस को भी काटेंगे तो और ज़्यादा ब्रांचेस आएंगी, अदरवाइज ये प्लांट जो है नीचे कॉर्डक्स होता है और सीधा ऊपर लंबा जाता है। ये रिंग्स बनाई हुई हैं जेट की, इसमें जो है एक इसका फ्रेम बनाया हुआ है तार का, वो लगा के दोनों तरफ प्लांट लगा के, ये मेरे जो हैं कम से कम 20 इयर्स प्लस के ये रिंग्स हैं मेरे पास में। तो ये काफ़ी टाइम से इसका कलेक्शन है, इनके जो है कटिंग करते रहते हैं और ये ऐसे बुशू हो जाते हैं। ये कॉलिस की वैरायटी है, ये भी शेड लविंग प्लांट है और ये भी जो है कटिंग से इसको तैयार किया जा सकता है। ये जो फिगर्स में लगे हुए हैं खरगोश के, ये इसमें जो है अपने जो वेस्ट बॉटल ये बिस्लरी बॉटल आते जो कि लोग फेंक देते हैं उसको लगा के, और उसके ऊपर जेड मैंने लगाया हुआ है, तो कुछ टाइम बाद जो है ये जेड इतना कवर कर लेगा वो बॉटल दिखेगी नहीं, और ये बॉटल जो है ये कभी ख़राब भी नहीं होगी। तो इस तरीके से ये वेस्ट जो है ये भी अच्छा काम में लिया जा सकता है। ये जितने भी ये प्लांट्स, ये कुछ इसमें सकुलेंट्स हैं, कुछ बेबी टेयर्स हैं, तो इनको जो डिफरेंट डिफरेंट ऐसे ये फिगर्स जो कि बच्चों को खूब अट्रैक्ट करते हैं और उससे उनका शौक भी बढ़ता है कि हम भी जो है गार्डनिंग वगैरह करें, तो ये बहुत लाइक करते हैं। ये देखिए जेड का, ये बहुत पुराना पेड़ है, इसको बॉन्साई के रूप में है, मतलब हैंगिंग के फॉर्म में बनाया है इसको। जेड को आप कोई भी शेप दे सकते हैं, जेड एक ऐसा प्लांट है इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, बट ये है कि लगातार उसको शेप देना, प्रूनिंग करना, ये कंटिन्यूसली करना पड़ता है। ये जैसे सकुलेंट्स की ट्रे है, अब क्योंकि सकुलेंट्स में कम पानी चाहिए होता है और इसकी सॉइल भी अलग तरह की होती है, तो इसमें सकुलेंट्स के अलावा दूसरे प्लांट नहीं लगाए जा सकते। दूसरे प्लांट लगाएंगे उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी, तो इसलिए ये सिर्फ सकुलेंट्स की ट्रेज बनाई हुई हैं। ये घर बना था तो ये पाइप्स कुछ बच गई थी, इन पाइप्स को तलवार साहब ने होल्स करके इनके अंदर जेड प्लांट लगाए हैं, और ये कई बहुत लंबे टाइम से सरवाइव भी कर रहे हैं अच्छे। ये प्लांट्स जो हैं ये, इसका नाम है होया हार्ट, इसको हार्ट शेप के प्लांटर में लगाया हुआ है और ये गिफ्ट पर्पस के लिए बहुत ही अच्छा है, स्पेशली वैलेंटाइन डे में जो है ये लोग बहुत इसको पसंद करते हैं देना। ये एक वैरायटी है यूफर्बिया की, इसमें जो है ये छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं, ये अभी वैरायटी नए आई है, इसमें कांटे नहीं होते, अदरवाइज ज़्यादातर मोस्ट जो है यूफर्बिया प्लांट्स में जो है वो कांटे होते हैं। मैं आपको जो पुराना यूफर्बिया प्लांट है वो मैं दिखाता हूँ, इसमें इस तरीके से फ्लावरिंग आती है और इसमें कांटे भी हैं इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में जो है ये देखिए ये बनाए हुए हैं। बहुत सारे लोग जैसे वो आजकल टेरेरियम्स बनते हैं, तो टेरेरियम्स में भी काफ़ी लगाते हैं इस तरह के छोटे पौधे और काफ़ी चलते हैं। इसका नाम है फिटूनिया, और ऐसे ही इसी तरह का एक हॉस्कोस्टा होता है, हॉस्कोस्टा, उसमें भी ऐसे ही छोटे लीव्स होते हैं, उधर पड़ा हुआ है मैं दिखाती हूँ आपको, वो भी टेरेरियम्स में यूज़ होता है हॉस्कोस्टा। अब ये इधर ग्रीन्स में आ गए, ये प्लांट जो है ये दिस इज पेपर प्लांट, इसको
वैसे नर्सरी में जो है लाडा लाडा प्लांट कहते हैं, और ये फुल सनलाइट इसको चाहिए, और इसके लीव्स इतनी शाइनिंग है, और इसमें जो फ्लावर आते हैं छोटे छोटे फ्लावर आते हैं इसके पत्ते के नीचे आते हैं फ्लावर्स इसमें। अब ये ऊपर जेट के जो हैं ये मटकों के ऊपर बनाए हुए हैं हमने, ये वेस्ट मटके जो होते हैं लोग फेंक देते हैं, चाहे वो टूटा हुआ हो या कुछ हो, इसके शेप के लिए हम इसको लगा के और चारों तरफ इसके जेड लगा रखें, फिर ये पूरा जेड से भर जाएगा तो मटका दिखेगा भी नहीं वो। तो इस तरीके से नए नए क्रिएशंस और ये चीज़ें जो दिमाग में जो आता है वो करते रहते हैं। मतलब इस ड्रेसिना में बहुत वैरायटीज आते हैं, दिस इज ड्रेसिना मार्जिनेटा, वो ड्रेसिना ग्रीन है, और ये सन लविंग प्लांट्स हैं और 12 महीने चलते हैं। जो हैं ये ग्रीन प्लांट्स की तरफ आ रहे हैं, यहाँ पर सब ग्रीन प्लांट्स रखे हुए हैं। अब इस सेक्शन में जो हम आप देखेंगे कि कोई भी अडेनियम सकुलेंट कैक्टस ये कोई प्लांट नहीं रखा हुआ, ये जितने भी प्लांट्स हैं उनको उनके फैमिली के अनुसार ही रखना चाहिए। ये नहीं कि आपने जो ग्रीन प्लांट्स या सीजनल इकट्ठे रखे हुए हैं या उसमें कैक्टस भी रखे हुए हैं उसमें अडेनियम भी रखे हुए हैं, तो इनमें किसी में ज़्यादा पानी चाहिए होता है किसी में कम चाहिए होता है। लोगों के जितने भी प्लांट्स हैं वो ओवर वाटरिंग के कारण मरते हैं। पानी आप एक दिन नहीं देंगे पौधा मरेगा नहीं, और आप पानी रोज़ देंगे तो वो पौधा 100% मरेगा। तो ज़्यादातर लोगों को शिकायत ये रहती है कि हमारे पौधे मर जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि हम पानी दिन में 4 बार देंगे तो ज़्यादा प्यार करते हैं तो वो पौधा ख़राब हो जाता है। पौधे को सूखना ज़रूर चाहिए। ये भी सिंगोना की वैरायटी है, ये इसके पत्ते जो है इससे बड़े नहीं होते ये, और ये भी जो है आप मल्टीप्लाई वगैरह के लिए अच्छा। प्लांट की हर स्पीशीज़ में अब इतनी वैरायटी आ गई है, ड्वार्फ वैरायटी, वेरीगेटेड वैरायटी, कलर के हिसाब से, तो बहुत हर एक स्पीशीज़ में बहुत वैरायटीज आती जा रही हैं। ये प्लांट शफलेरा है, वेरीगेटेड शफलेरा, इसको पॉट में भी लगा सकते हैं ये लगे हुए, और ये जब लंबे हो जाएं तो आप इसको मॉस्टिक पे भी लगा सकते हैं। ये प्लांट्स जो हैं ये अभी साल दो साल से शुरू हुए हैं, इसको रेड मचेरा कहते हैं, और ये सेमी शेड प्लांट है, और इसके लीव्स जो हैं बहुत ही शाइनिंग है, और ज़्यादातर जो है कहते हैं कि इसमें जो फ्लावर नहीं आता, परंतु मेरे यहाँ फर्स्ट टाइम जो है इसमें फ्लावरिंग हुई है, और वो फ्लावरिंग जो है वो नीचे छिपी हुई होती है कहीं, अभी नहीं है। एक फ्लावर आया था मेरे पास, उसकी फ़ोटोग्राफ है तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। मैं बात करूंगा ग्रीन नेट की। अभी आप देखिए कि अप्रैल चल रहा है, गर्मी काफ़ी हो गई है, मैंने हालांकि अरेंजमेंट सारे किए हुए हैं परंतु मैं अभी ग्रीन नेट जो है अवॉइड कर रहा हूं, क्योंकि इनको सर्दियों में बिल्कुल धूप लगी नहीं है इन पौधों को। अब इनको धूप लग रही है तो पौधे जो है अच्छे फ्लरिश कर रहे हैं यहाँ पर, तो मैक्सिमम जब तक मैं देखूंगा कि ये हीट को बर्दाश्त नहीं कर सकते तब तक जो है मैं नेट नहीं लगाऊंगा। और ग्रेट नेट भी जो है वो ग्रीन नेट भी लगा सकते हैं आप, वाइट नेट भी लगा सकते हैं, और 75% वाला या 50% यहाँ ठीक नहीं, 75% हम यूज़ करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट कितने परसेंट का कहाँ वो नेट यूज़ करना है तो वो आप कर सकते हैं। क्योंकि मार्च तक तो यहाँ पर तेज़ धूप थी नहीं, पूरा मार्च बहुत अच्छा मौसम रहा, ये तो अप्रैल के सेकंड वीक में आकर थोड़ी गर्मी पड़नी शुरू हुई है। अदरवाइज़ तो पहले तो मार्च में ही नेट लग जाया करते थे क्योंकि धूप इतनी तेज़ हो जाती थी। ये भी शफलेरा की एक ड्राफ्ट वैरायटी है, ये ग्रीन में है, ये इसमें पत्ते छोटे रहते हैं और अच्छा बुशी प्लांट बनता है। ये प्लांट शेड लविंग भी है और सन लविंग भी है। अगर इसको सन में रखना है तो ज़मीन में लगाएं, और अगर आपको पॉट में रखना है तो इसको सेमी शेड में रखें। ये देखिए, ये मैंने सेमी शेड में रखे हुए हैं, और वो सामने देखिए मैंने ज़मीन में लगा रखे हैं, वो लंबे जो हैं वो। ये फिर एग्लोनिमा की ये वैरायटी है, ये इसको जो है एग्लोनिमा लिपस्टिक कहते हैं। क्या है कि सब प्लांट्स वगैरह हर जगह से, चाइना से भी आ रहे हैं, थाईलैंड से भी आ रहे हैं, सब जगह से आ रहे हैं, और
नई नई वेराइटीज़ अब तो इंट्रोड्यूस हो रही हैं। पहले जो है प्लांट ज़्यादातर वो टिश्यू कल्चर के बेंगलोर से आते थे, तो अब तो प्लांट्स की इतनी वेराइटीज़ हो गई हैं कि उनको नाम याद रखना भी बहुत मुश्किल है। मतलब हर प्लांट में 10-10 एग्लोनिमा है तो 50 वेराइटीज़ मिलेंगे आपको। रबर प्लांट है उसमें 50 आपको डिफरेंट वेराइटीज़ मिल जाएंगी। सिंगोनिया है उसमें 50 वेराइटीज़ हैं। क्रोटन्स हैं उसमें कई वेराइटीज़ हैं। फाइकस है कई वेराइटीज़ हैं। इस तरीके से हर पौधे की कोई ना कोई नई वेराइटी वो इंट्रोड्यूस करते हैं। देखिए अब जैसे मैं बेंगलोर गया था बहुत साल पहले, तो ये फाइकस वेरेटा जो मैंने ये बात की उनसे, तो उन्होंने ये टिश्यू कल्चर से तैयार किया था। तो इतना सा प्लांट था कोई 2-3 इंच का, तो मैंने उनसे कॉस्ट पूछी, उन्होंने 500 रुपीज़ बताया उसका। तो मैंने कहा इट इज़ टू कॉस्टली, और कहे कि नहीं, हम जब कोई भी प्लांट इंट्रोड्यूस करते हैं उसकी हाईएस्ट रेट रखते हैं। मतलब अब आज ये 500 ले रहे हैं, यही प्लांट जो है आपको 5 साल बाद जो है 100 रुपये में भी मिलना शुरू हो जाएगा। परंतु जब वो न्यू वेराइटीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो बहुत कॉस्टली होती है। उसके बाद धीरे धीरे जब लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अब सबसे ज़्यादा प्लांटेशन तो इस टाइम आप ये देखिए कि बेंगलोर, पुणे एंड कलकत्ता, ये सबसे ज़्यादा वहाँ प्लांटेशन का काम वहाँ हो रहा है। वहाँ जितने भी लोग हैं सब नर्सिस का काम कर रहे हैं, और बड़ी बड़ी नर्सिस हैं जहाँ की 500-500, 1000-1000 वर्कर काम करते हैं वहाँ पर। ये फाइकस पांडा है, ये भी काफ़ी पुराना प्लांट है। ये इनकी ब्रांचेस को जो है इकट्ठा बांध के इसके ऊपर मॉस लगा दी थी, अब ये मॉस हट गई है इसकी, अब ये ब्रांचेस जो हैं आपस में जुड़ गई हैं। अब इस तार को हम हटा सकते हैं क्योंकि वो एक तना बन चुका, अदरवाइज तो ये पतले पतले तने होते हैं ऐसे ही। वो क्या करते हैं, इन सब तनों को ऐसे बांध के और वायरिंग कर देते हैं और मॉस लगाते हैं, फिर वो कुछ सालों में जो है वो एक दूसरे में वो ब्रांचेज मिल जाती हैं। ये वैरायटी है, ये मोनस्टेरिया। इस वैरायटी को जो है अगर आप किसी पेड़ पर या दीवार के साथ में, जहाँ शेड लविंग है ये, लगा दें तो ये बहुत ही फास्ट चलता है और अच्छा, इसकी लीव्स भी जो है बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। ये है पेंसिल पाम, ये इसके अच्छे फॉरेस्ट बनते हैं। ये सारी वैरायटी जो हैं ये फाइकस माइक्रोकार्पा की हैं, और ये प्लांट जो है ये वेट के हिसाब से आता है, नॉट पर प्लांट परंतु वेट के हिसाब से इसकी जो मार्केटिंग होती है। और इन प्लांट्स को जो है जब इसका कॉडेक्स जो है अच्छा बन जाता है, तो फिर हम जो है इसको जो है किसी अच्छे फैंसी पॉट, सेरेमिक पॉट में और उसमें जो है ट्रांसफ़र कर लेते हैं, और ये एवरग्रीन रहता है और इनको जो है हम कटिंग करते रहते हैं इसको। और इसमें भी कई शेप्स में आता है। देखिए ये जैसे ये कॉडेक्स के रूप में है, वो देखिए वो पेड़ के रूप में है ये। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो? वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो ये सारी वीडियोस आपने देख ली हैं के तलवार जी की, बैक टू बैक वीडियोस मैं अपने चैनल पे लेकर आया था। अभी भी जयपुर की सीरीज़ चल रही है, अभी भी काफ़ी सारे गार्डनर्स के पास जाना बाकी है, तो आप चैनल को ऐसी ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जयपुर सीरीज़ में आपको बहुत मज़ा आएगा। साथ ही आप लोगों को बता दूं, मैं बहुत ही जल्द लखनऊ भी विज़िट करने वाला हूं, लखनऊ के गार्डनर्स भी मेरे चैनल पे आपको नज़र आएंगे और उनकी कलेक्शन नज़र आने वाली है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस टाइप की वीडियोज़ पहुँच सकें। के तलवार जी के लिए काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि आप इनकी वीडियो ज़रूर लेके आइए चैनल पर, तो मैं के अग्रवाल जी और के तलवार जी दोनों से मिला और उनकी वीडियोज़ भी आई हैं। साथ ही में काफ़ी सारे और भी गार्डनर से मैं जयपुर में मिल चुका हूँ और अभी और भी काफ़ी सारे गार्डनर से मिलना बाकी है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बने बेल आइकन में क्लिक करना ना भूलें क्योंकि मैं ऐसे ही गार्डन आपको दिखाता रहता हूँ। इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी ज़रूर फॉलो कर लीजिए क्योंकि कुछ रील्स भी आने वाली हैं जिन भी गार्डनर्स के बाद मैं विजिट करता हूँ उनकी रील्स भी मेरे चैनल पर ज़रूर आती हैं, तो आप उसे देखेंगे तो उसमें भी आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। फेसबुक को भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर जब भी मैं किसी गार्डन में जाता हूँ तो तुरंत लाइव जाता हूँ और लाइव जाकर आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। अभी मैं सर के साथ भी लाइव गया था, उनके गार्डन को भी मैंने वहाँ पर दिखाया है। तो आप फेसबुक को भी ज़रूर फॉलो करिए, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाले हैं, फॉलो कर सकते हैं। सो फ्रेंड, मिलता हूँ जयपुर के किसी और गार्डन में, तब तक के लिए बाय। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये फाइकस है ये रॉक के अंदर उगाया हुआ है और रॉक के अगेंस्ट उगाया हुआ है।
बॉन्जाई में कहते हैं कि ट्री में इतना स्पेस होना चाहिए कि चिड़िया उससे आर पार निकल जाए और वो उसमें आने के लिए कोशिश करे। यहाँ पर आप देखेंगे कि बॉन्जाई को हम एक जेन गार्डन के रूप में भी डिस्प्ले कर सकते हैं।